हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन बैंकिंग मास्टरी। फ्रेंड्स, आपने पिछले वीडियो में हमने आप सभी के कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब दिए थे एंड आई होप कि आपने उस वीडियो को देख लिया होगा। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको डिस्क्रिप्शन या आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। सवाल थंडे में हम उन्हीं सवालों को लेते हैं जिनसे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके और हमारी कोशिश रहती है कि आप सभी के जो है मैक्सिमम डाउट्स को क्लियर कर सके ताकि आप जो है आसानी से जो है म्यूचुअल फंड्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो हमारी राय में आप सभी को जो है सवाल संडे के सारे एपिसोड मिस नहीं करने चाहिए, ज़रूर देखने चाहिए। अगर आपने कोई एपिसोड मिस कर दिया है तो आप जो है हमारी एक प्लेलिस्ट है सवाल संडे के नाम से, उसको जाकर देख सकते हैं। आज फ्रेंड्स, अपने इस वीडियो में हम आप सभी को कुछ एक इंपॉर्टेंट म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताएंगे। ये वो म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि पॉपुलर म्यूचुअल फंड्स हैं और इनमें आपको जो है जल्द से जल्द निकल जाना चाहिए, जितना जल्द से जल्दी आप निकल सके। अगर इसमें आप जो है इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, नहीं निकलते हैं, तो आपको जो है आगे बहुत बड़ा लॉस का सामना करना पड़ सकता है। ये फंड्स अभी सही नहीं है तो मेरी राय में आपको इन फंड से तुरंत निकल जाना चाहिए। इसमें हम सभी फंड्स के डायरेक्ट प्लान के ही बारे में बात करेंगे और इसमें हमने हर कैटेगरी के फंड्स को इंक्लूड किया है, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, मल्टी कैप हो या डेट फंड हो, कोई भी। तो इसमें जो नए फंड्स हैं उनको जो है हमने इंक्लूड नहीं किया है अपने इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम सिर्फ पॉपुलर म्यूचुअल फंड के बारे में ही बात करेंगे हर फंड हाउस के, जिनसे कि आपको अभी निकल जाना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। इस पर आपको म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कई वैल्यूएबल वीडियोस मिलेंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें हमारा जो सबसे पहला फंड हाउस है हम उसको ले रहे हैं, वो है AVSL म्यूचुअल फंड। तो इसमें हमने देखिए चार फंड को सिलेक्ट कर लिया है जिससे कि आपको निकल जाना चाहिए। पहला है AVSL इक्विटी एडवांटेज फंड एंड द सेकेंड वन इज AVSL फोकस्ड इक्विटी फंड, थर्ड वन इज AVSL फ्रंट लाइन इक्विटी फंड और चौथा फंड है AVSL स्मॉल कैप फंड। तो ये जो चारों फंड है इनसे आपको तुरंत निकल जाना चाहिए। ये सोचकर ना बैठे कि हो सकता है आगे जो है आने वाले कुछ टाइम में जो है 2 महीने, 4 महीने या 6 महीने बाद हमें जो है एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल जाएगा, जो हमें लॉस हुआ है वो रिकवर हो जाएगा। या आप ये सोच के ना बैठे कि नहीं नहीं जो मेरा लॉस हुआ है पहले हम उसको रिकवर करेंगे तब उसके बाद इस फंड से निकलेंगे। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि आगे हो सकता है कि ये फंड और गिरे। तो इससे ज़्यादा अच्छा है कि हम जो है किसी अच्छे फंड में इन्वेस्टमेंट करें, ताकि अगर इसमें मान लीजिए अगर हमको 8-9% 12% का रिटर्न मिलता है तो हमें दूसरे फंड जो कि अच्छे हैं उनमें हमको और अधिक 2-4% 15% 18% 17% का रिटर्न देखने को मिले और स्मॉल कैप फंड में भी और रिटर्न आप देखने को आपको मिल सकता है। तो इन चारों में से जो है जो सबसे इंपॉर्टेंट फंड है वो है AVSL स्मॉल कैप फंड। इस फंड से तो आप बिल्कुल ही निकल जाए, क्योंकि देखिए स्मॉल कैप फंड है और जैसा कि हमने अपने पिछले कुछ वीडियोस में भी बताया है कि स्मॉल कैप फंड्स को अभी आगे और प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, हो सकता है, क्योंकि देखिए जो मार्केट की करेंट सिचुएशन है ये थोड़ी अच्छी नहीं है। तो इसमें स्मॉल कैप फंड्स को थोड़ा सा सफ़र करना पड़ सकता है। इसीलिए अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है तभी इन्वेस्टमेंट करें और आपका फंड अच्छा होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। देखिए यही वो समय है जब पता चलता है कि हमारा फंड कैसा है, हमारे पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन कैसा है। तो ये जो टाइम है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और इसी समय एक वाइज इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है हर चीज में। अब हमारा दूसरा फंड हाउस है SBI म्यूचुअल फंड। इसमें हमने दो फंड को लिया है जिसमें कि आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए और अगर आप कर रहे हैं तो जल्द से जल्द निकल जाएं। SBI ब्लू चिप फंड पाला है। तो देखिए इसमें से आप में से आई होप कि बहुत से लोगों ने जो है इन्वेस्टमेंट किया होगा। तो ये फंड का लगातार खराब परफॉर्मेंस है, तो अगर आपका फंड में इन्वेस्टमेंट है तो इसमें से जल्दी जल्दी क्विट करें और किसी अच्छे लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करें। पिछले वीडियो में हमने कुछ अच्छे लार्ज कैप फंड के बारे में बताया था, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। दूसरा जो हमारा फंड है वो है SBI मैग्ना मिड कैप फंड। ये भी अच्छा फंड नहीं है मिड कैप कैटेगरी का, तो अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो जल्दी से इस फंड से निकल जाए ताकि आपको और आगे लॉस ना हो। और आप जो है मिड कैप फंड्स के बारे में जानना चाहते हैं कि अभी कौन से बेस्ट मिड कैप फंड है तो मैं आई कार्ड पे लिंक दे दूंगा, आप उसको जो है देख लें। और एक चीज मैं और यहाँ पे कहना चाहूंगा कि मिड कैप फंड्स और स्मॉल कैप फंड्स दोनों के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है कि अभी किस तरह की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इन दोनों फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, तो आप उस वीडियो को भी एक बार जरूर देखें। अब हम नेक्स्ट फंड हाउस लेते हैं HDFC म्यूचुअल फंड। इसमें भी हमने जो है दो फंड को सिलेक्ट किया है, पहला है HDFC हाइब्रिड इक्विटी फंड और दूसरा है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। तो ये दोनों फंड भी अच्छे नहीं है, इनका भी जो है रिटर्न पोटेंशियल काफ़ी ख़राब है एज कम्पेयर टू कैटेगरी एंड रिस्क भी इसमें काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कैटेगरी। तो इन दोनों फंड से भी आप फटाफट निकल जाए।
अब हमारा नेक्स्ट फंड आउट है ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड। इसका हमारा पहला फंड है ICICI प्रूडेंशियल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड। ये भी फंड अच्छा नहीं है, इस फंड से आप निकल जाएं। इसके अलावा इसमें चार और फंड है जिसमें से कि आपको निकल जाना चाहिए, मैं वन बाई वन नाम लेता हूँ। दूसरा है ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। ये फंड ऐसा है इसमें आप लोगों ने कई लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया होगा आई होप, तो आप जो है इस फंड से निकल जाइए। ये एक लार्ज कैप फंड है और किसी अच्छे लार्ज कैप फंड में आप इन्वेस्टमेंट करें, ये फंड भी अच्छा नहीं है। तीसरा है ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड और चौथा है ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड। देखिए एक स्मॉल कैप फंड है और ये सही नहीं है, तो इसमें से भी आप फटाफट निकल जाएं। एंड फिफ्थ वन इज ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड। तो ये जो पांचों ICICI के फंड है इन फंड से भी आप जो है निकल जाएं, और इन फंड्स का भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है एज कम्पेयर टू कैटेगरी, और रिस्क भी इसमें जो है कुछ कुछ में बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कैटेगरी। इसके बाद जो हमने फंड हाउस लिया है वो है निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड। देखिए निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड से हमने दो फंड सेलेक्ट किया है जिसमें कि आपको निकल जाना चाहिए। पहला है निपॉन इंडिया फोकस्ड इक्विटी फंड, ये फंड भी अच्छा नहीं है। एंड सेकेंड वन इज निपॉन इंडिया वैल्यू फंड। तो ये जो दोनों फंड है इसमें से भी आप निपॉन के दोनों फंड से निकल जाएं। नेक्स्ट हमने जो है फंड हाउस लिया है कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड। पहला है इसमें कोटक ब्लू चिप फंड, इस फंड से भी आप निकल जाएं, ये एक लार्ज कैप फंड है। एंड द सेकेंड वन इज कोटक स्मॉल कैप फंड, ये भी जो है फंड अच्छा नहीं है। तो कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड की ये जो दोनों फंड है कोटक ब्लू चिप फंड एंड कोटक स्मॉल कैप फंड, इन दोनों फंड से आप जल्द से जल्द निकल जाएं अगर आपका जो है इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट है तो। एंड जो नेक्स्ट फंड हाउस है हमारा वो है फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड। देखिए फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड में हमने जो है तीन म्यूचुअल फंड्स को लिया है। पहला है फ्रैंकलिन ब्लू चिप फंड, अब ये लार्ज कैप फंड है। एंड सेकेंड वन इज फ्रैंकलिन फोकस्ड इक्विटी फंड, ये भी फंड अच्छा नहीं है। एंड द थर्ड वन इज फ्रैंकलिन स्मॉलर कंपनीज फंड, ये देखिए पॉपुलर काफ़ी फंड है फ्रैंकलिन स्मॉलर कंपनीज फंड। एंड आई होप आप में से कुछ लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट जरूर किया होगा, तो अगर इसमें इन्वेस्ट किया है तो इसमें से निकल जाए और इसके बजाय किसी और अच्छे जो है स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करें। हमने सभी कैटेगरीज पे एक एक वीडियोस बना दिया है, स्मॉल कैप लार्ज कैप मिड कैप सभी के टॉप फंड्स पे, तो आप उन वीडियोस को जाकर देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। DSP म्यूचुअल फंड से हमने जो है दो फंड्स को लिया है, DSP इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड एंड DSP स्मॉल कैप फंड। इन दोनों फंड से भी आप निकल जाए, ये दोनों फंड सही नहीं है। और L&T म्यूचुअल फंड से हमने जो है दो फंड इसमें से भी लिया है, L&T लार्ज एंड मिड कैप फंड एंड L&T टैक्स एडवांटेज फंड। और लास्ट हमने जो फंड हाउस लिया वो है टाटा म्यूचुअल फंड। टाटा म्यूचुअल फंड से हमने जो है दो म्यूचुअल फंड्स को सेलेक्ट किया है जिससे आपको निकल जाना चाहिए। पहला है टाटा डायनेमिक बॉन्ड फंड एंड द सेकेंड वन इज टाटा हाइब्रिड इक्विटी फंड। तो ये जो दोनों फंड हैं टाटा के इनसे भी आप निकल जाएं। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे सभी वो म्यूचुअल फंड जिनसे आपको निकल जाना चाहिए, और ज़्यादा जो है आप इस चक्कर में ना पड़े कि अभी मैं इन्वेस्टमेंट कर दूँ थोड़ा और हमें अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, हो सकता है आगे आप बेकार ये सभी म्यूचुअल फंड हैं, इनसे तुरंत आप जल्द से जल्द निकल जाए और किसी अच्छे में इन्वेस्ट करें ताकि आपको एक अच्छा रिटर्न मिले आगे चल के। जो भी आप जो है लॉस हुआ है उसके चक्कर में ना पड़े कि पहले हम उसको मेकअप कर लेंगे, रिकवर कर लेंगे, तब जाके जो है हम इन सभी फंड से निकलेंगे, इमीडिएटली इन फंड से निकले और अच्छे फंड में इन्वेस्टमेंट करें। तो फ्रेंड्स आई होप कि आज का हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों को जरूर ये वीडियो शेयर करें। देखिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए। हो सकता है आपका कोई फ्रेंड या कोई आपका जानने वाला इसमें से इन्वेस्ट कर रहा हो किसी फंड में, और वो इन्वेस्टमेंट करता ही जाएगा जब तक कि उसको पता नहीं चलेगा। तो ये वीडियो जरूर शेयर करें अपने सभी लोगों की मदद करते हुए। तो चलिए अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। इन सभी फंड से रिलेटेड या कोई और फंड से रिलेटेड आपका कोई सवाल हो तो हमसे पूछें, हम जरूर उन सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और अच्छा रहा आपका सवाल तो हम अपने सवाल संडे वाले एपिसोड में जो संडे को हम अपलोड करते हैं उसको ज़रूर उसमें जो है इंक्लूड करेंगे। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में।